अगर आपको पता है ना आपको क्या अचीव करना है, बाकी सारी नॉइजेस को छोड़ दो. यू नो मेरा जो जर्नी रही है उससे मैंने एक चीज़ सीखी है, दैट कुछ तो लोग कहेंगे विल जस्ट टॉक अबाउट एवरी थिंग हर चीज़ के लिए. और मेरे पापा का और मेरी मम्मा का जो रोल रहा है, उनने जहाँ बचपन से अपने आप को जिस जहाँ से शुरू किया और जिस मुकाम पे लेकर गए फॉर देम सेल्व्स और हम सब के लिए, आई थिंक उससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है मेरे लिए. आई थिंक राजस्थान के लिए यू नो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम दिल से ऑपरेट करते हैं. तो सोनल, लीवा मिस दीवा 2023 सुपर नेशनल का ताज आपने जीत लिया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप सोचिए इतना बड़ा ऑनर है टू यू नो जस्ट स्टैंड एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप 80 कंट्रीज़ के बीच में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेयर आई वोंट बी कॉल्ड सोनल कुकरेजा एनीमोर, हर जगह जहाँ भी मैं जाऊँगी विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया. तो इससे बड़ी आई थिंक मेरे लिए कोई और बात नहीं हो सकती. काफ़ी कुछ डिफिकल्ट रहा होगा अपने करियर पॉइंट में, एक आप एक लड़की हैं, तो उस पर यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगी? यू नो मेरा जो जर्नी रही है उससे मैंने एक चीज़ सीखी है, दैट कुछ तो लोग कहेंगे एंड हर चीज़ को लेकर आप अपनी जर्नी को चेंज नहीं कर सकते. ऑफ़ कोर्स आई रिस्पेक्ट अगर आपकी फैमिली कुछ चाहती है आपसे, आपके लव्ड वंस कुछ चाहते हैं, उसको आप ज़रूर थॉट दो एंड हैव अ वर्ड विद देम. बट जो आपका ट्रू पर्पस है ना ज़िंदगी में उसको ज़रूर करो. दैट्स माई बिगेस्ट लर्निंग. मुझे भी बहुत लोगों ने रोका, बहुत लोग जज करते हैं ना पैजेंट. मेरे लिए इतनी बड़ी ऑनर की चीज़ है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, उसको वो किसी और तरीके से भी देख सकते हैं. एंड आई थिंक उस जर्नी से मैंने यही सीखा है कि अगर आपको पता है ना आपको क्या अचीव करना है, बाकी सारी नॉइसेस को छोड़ दो, क्योंकि वो नॉइसेस सिर्फ आपको पुल डाउन करती हैं ज़िंदगी में जाने के लिए. आपको अगर आपकी मंजिल पता है ना, पुट दोज ब्लाइंडर्स ऑन और जाते रहो. आई एम श्योर यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस. आप अपने करियर में किससे इंस्पायर हुई हैं? संजय लीला भंसाली का आपने बोला है कि आप उनके साथ काम भी करना चाहती हैं, तो अपनी लाइफ में आप किससे इंस्पायर हुई? यू नो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है. आई एम ऑल्सो ट्रूली ब्लेस्ड जिस सेट ऑफ फैमिली से मैं आती हूँ, जहाँ हर कोई सिर्फ एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है. मतलब हम लोग का जो रिलेशनशिप भी है इज़ मोर लाइक फ्रेंड्स, विल जस्ट टॉक अबाउट एवरी थिंग हर चीज़ के लिए. और मेरे पापा का और मेरी मम्मा का जो रोल रहा है, उनने जहाँ बचपन से अपने आप को जिस जहाँ से शुरू किया और जिस मुकाम पे लेकर गए फॉर देम सेल्व्स और हम सब के लिए, आई थिंक उससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है मेरे लिए. अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, आई वुड लव टू वर्क विद संजय लीला भंसाली एंड अ लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स. प्रियंका चोपड़ा इज समबडी जो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है. यू नो शी इज़ अ ग्लोबल आइकॉन एंड उनकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मैं ग्लोबल आइकॉन बन सकूँ, टू नॉट जस्ट बी इन बॉलीवुड एंड नॉट जस्ट बी अ म्यूजिशियन. वो कहीं रुकती नहीं है, चाहे वो UN का पार्ट हो, चाहे वो यू नो एवरी डे शी इज़ ऑन टू समथिंग न्यू and actually making India proud. So I would love to be on that journey too. आप दिल्ली में रही हैं, आप जयपुर में रही हैं, आज राजस्थानी परिधान आपने पहन रखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी राजस्थान के लिए? आई थिंक राजस्थान के लिए यू नो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम दिल से ऑपरेट करते हैं. दिल वालों की वैसे तो दिल्ली है, बट राजस्थान में जो वॉर्म्थ है ना वो और कहीं मुझे नहीं मिली है. मैं चाहे अमेरिका रुक के आ गई, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, इंडिया में कहीं भी अगर मैं सोचूँ, जयपुर में आके जो फीलिंग आती है ना, of that feeling of being home, I think वो ही मेरे लिए सबसे important है. इसलिए मेरे को होम कमिंग के लिए भी I was like it's a no brainer, I have to be back to Jaipur. मेरी अपब्रिंगिंग यही हुई है, so this place has my heart. ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप.